हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स हॉट 30i फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स हॉट 30i फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन लाइट है, तो नोटिफिकेशन लाइट को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं इन्फिनिक्स हॉट 30i फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कैसे कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पर बैक करना है, सेटिंग से आपको फ़ोन आइकन्स पे जाना है, तो फ़ोन आइकन सेटिंग से आपके फ़ोन में आ जाएगी। तो इस पे आकर आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो नोटिफिकेशन लाइट हैं, तो नोटिफिकेशन लाइट को आप इनेबल कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ से नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल करते हैं, जो फ्लैश नोटिफिकेशन है, तो जो भी लाइटिंग आपके फ़ोन में शो हो जाएगी और लाइटिंग पर आपके नोटिफिकेशन में शो करेगी। तो इस तरह से नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। और जो भी अगर आपके फ़ोन में लाइटिंग वगैरह नोटिफिकेशन की शो हो रही है तो ऑफ़ कर देंगे तो शो नहीं होगी। तो इस तरह से नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल करके आप यूज़ कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन में, या फिर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर सकते हैं, जिससे कॉल रिकॉर्डिंग आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली होने लगेगी। तो इस तरह से आप नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हैं इन्फिनिक्स हॉट 30i फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।